स्ट्रॉबेरी मोहितो बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए है स्ट्रॉबेरी, फ्रेश स्ट्रॉबेरी जिनको हमने वॉश कर लिया है। कुछ लेमन चाहिए, शुगर चाहिए एंड मिंट लीफ चाहिए। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी के जो लीव्स हैं उनको हटा देते हैं और इनको हम क्रश करेंगे। मैं इस तरह से लीव्स को हटा के, तो इस तरह से हम सारी स्ट्रॉबेरी के जो ऊपर के हैं इनको निकाल के लीव्स को पीस कर लेते हैं। स्ट्रॉबेरी हमने कट कर ली है, इनको हम हल्का क्रश करेंगे। आप यहाँ पे फ्रेश स्ट्रॉबेरी नहीं मिलता है तो स्ट्रॉबेरी क्रश भी ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे लेमन, इनके मैं 4 पीस कर लूँगी, 1 पीस कर लूँगी 1 लेमन के। डिपेंड करता है स्ट्रॉबेरी कितनी खट्टी है। इस तरह से अब इनके सीड मैं जो है निकाल दूंगी। लेमन मैंने कट कर लिए हैं, इनके सीड भी हमने निकाल लिए हैं। अब हम इसमें लेमन भी डाल देंगे और डालेंगे शुगर। स्ट्रॉबेरी डिपेंड करता है, खट्टी ज़्यादा है तो आप शुगर ज़्यादा ऐड कीजिए, अदरवाइज शुगर हमें कम ऐड करना है। मैंने यहाँ 4 स्पून शुगर ऐड किया है और फ्रेश मिंट लीफ थोड़ी सी हम उसमें डालेंगे। अब इन सबको हम हल्के हाथ से क्रश करेंगे। तो स्ट्रॉबेरी हमारी क्रश हो गई है। हमें क्रश करते टाइम ये ध्यान रखना है लेमन को ज़्यादा नहीं करना है, अदरवाइज लेमन का जो कड़वास है वो आ सकता है। लेमन पे हमें हल्के हाथ से ही करना है। तो स्ट्रॉबेरी हमारी क्रश हो चुकी है, ग्लास में मैंने डेकोरेट करके रखी है। ग्लास की मैंने पहले भी बताई हुई है कैसे करना है, हमने की भी मोई तो बनाया था तब। तो अब इसमें से हम थोड़ा थोड़ा लेंगे, क्रश किया हुआ हमारा स्ट्रॉबेरी का मैंने यहाँ 3 स्पून डाला है। तो हमने ये क्रश किया हुआ डाल लिया स्ट्रॉबेरी का। अब इसमें हम डालेंगे सोडा, बहुत ही यम्मी बना है, कलर भी बहुत अच्छा है। देखिए आप स्पून या कोई भी स्ट्रोक की हेल्प से इनको मिक्स कीजिए। और अब हम इसे गार्निशिंग करेंगे, स्ट्रॉबेरी लगाएंगे और लेमन की हम स्लाइस कट कर लेते हैं। तो अब मैंने लेमन लगाया और एक स्मॉल स्ट्रॉबेरी और हम लगा देते हैं। और ये मिंट का है मेरे पास। इसी तरह हम दूसरी ग्लास को भी कर लेते हैं तैयार। सर्विंग के लिए हमारे मोहितो तो पिके, मेरे को जरूर बना के जरूर कमेंट के जरिए बताइए कैसा लगा मोहितो स्ट्रॉबेरी। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली में। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो या आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आने वाली न्यू रेसिपी के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे फिर नई रेसिपी के साथ। जय जिनेंद्र।